आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक दिन। सुप्रीम कोर्ट में आज से लाइव प्रसारण होगा। संवैधानिक बेंचों की सुनवाई का लाइव प्रसारण होगा। देश के आम लोग भी आज से सुन सकेंगे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज से इस पहल की शुरुआत हो रही है। सीजेआईयूयू ललित की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक दिन। सुप्रीम कोर्ट में आज से लाइव प्रसारण होगा। संवैधानिक बेंचों की सुनवाई का लाइव प्रसारण होगा। देश के आम लोग भी सुन सकेंगे। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक। कार सवार दबंग ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। मारपीट करते हुए कैमरे में कैद हुए दबंग। घटना से आसपास लोगों में डर का माहौल। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक। कार सवार दबंग ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। पुरानी रंजिश के चलते अवैध असलहा के बल पर दबंगई। अमेठी से बड़ी खबर। नशे में धुत गांव का ही युवक पीड़ित के घर में घुसा। परिजनों ने नशेड़ी युवक को पुलिस के हवाले किया। आरोपी युवक को लेकर थाने आई पुलिस। मेडिकल कराते हुए पुलिस ने दर्ज किया केस। शिवगढ़ जलालपुर इलाके का मामला। दहगबा खेत में सब मिलने से जनता में आक्रोश। बदायूं से बड़ी खबर। धान के खेत में किशोर का शव मिला। सूचना पर पहुंचे सीओ सहसवान जरीफ नगर पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशोर के लापता होने की दो दिन पहले दर्ज हुई थी रिपोर्ट। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के रडनोल अजीज मार्ग का मामला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ेंगे। मनोज, खेत में शव मिला है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? पहले लापता हो गया था घर से, उसके दो FIR थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। कल सुबह इसकी जब खोज छानबीन हुई तब इसका सब बरामद हुआ था इसके खेत में। धन्यवाद मनोज हमसे जुड़ने के लिए। मदरसा छात्रों को योगी सरकार करेगी सम्मानित। लखनऊ से बड़ी खबर। नीट परीक्षा में परचम लहराने वाले छात्र होंगे सम्मानित। यूपी के मदरसों से निकलकर नीट क्रैक करने पर सम्मान। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने लिया फैसला। मदरसा छात्रों को योगी सरकार करेगी सम्मानित। लखनऊ से बड़ी खबर। नीट परीक्षा में परचम लहराने वाले छात्र होंगे सम्मानित। यूपी के मदरसों से निकलकर नीट क्रैक करने पर सम्मान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, मदरसा छात्रों को योगी सरकार सम्मानित करेगी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि मदरसों को लेकर लगातार उसके बेहतरी में सरकार लगी हुई है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं,
धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ राज्य मंत्री है दानिश आजाद, उनकी तरफ से लगातार विभाग को और मदरसे को बेहतरी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो तमाम ऐसे स्कीम जैसे मदरसों की डिजिटलाइजेशन और साथ ही साथ उनकी कक्षाओं को स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है। उसी क्रम में अब मुख्यमंत्री ने एक मदरसों को लेकर एक अलग पहल शुरू की है, जिसमें पहली बार जो मदरसों के छात्रों के द्वारा जो नीट परीक्षाओं में जो अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जो नीट हाल फिलहाल का जो रिजल्ट आया है उसमें नीट में जो भी बच्चे अगर देखे मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए हैं और वो नीट निकाले हैं तो उनको अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में सम्मानित किया जाएगा और ऐसा पहली बार हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मंत्री जो धर्मपाल सिंह है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में मदरसों की बेहतरी के लिए और भी कार्य किए जाएंगे। जी जी धन्यवाद वंशु तमाम जानकारियों के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बिजनौर दौरा आज, इस वक्त की बड़ी खबर। भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर दौरे पर रहेंगे। करीब 10 बजे सैदपुर भट्टा कुमाखिया पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। हिलर्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। नवनिर्मित जिला पंचायत भवन का भी करेंगे उद्घाटन। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष लगभग 8 घंटे जिले में ही रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे, तुषार हमसे जुड़ेंगे। तुषार, भूपेंद्र चौधरी का आज बिजनौर दौरा है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए मयूरी, मैं आपको बताऊं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो आज सैदपुर भट्टा कुमाखिया पर पहुंचेंगे, जहां पर भाजपाइयों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिंह पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचेंगे, जहां से भूपेंद्र चौधरी काली के मंदिर के पास एक हिलर्स हॉस्पिटल जो बना है अभी निजी अस्पताल है उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष निरीक्षण भवन पहुंचेंगे, उसके बाद नव निर्मित जिला पंचायत भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कार्यालय जाएंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो नेटोर के लिए रवाना होंगे, नेटोर विधायक ओम कुमार के आवास पर पहुंचेंगे, वहां से फिर धामपुर के लिए रवाना होंगे और धामपुर जो विधायक है अशोक राणा उनके आवास पर जाएंगे। उसके बाद वो वहां से मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी जो जनपद में आज 8 घंटे बिजनौर में रहेंगे, उनका दौरा रहेगा। भाजपाइयों ने जो भाजपाई है भाजपाइयों ने अध्यक्ष के लिए आगमन की तैयारी पूरी कर ली है और जगह जगह उनके स्वागत के लिए होल्डिंग्स बैनर लगाए गए हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी वो बिजनौर पहली बार आ रहे हैं। जी धन्यवाद तुषार तमाम जानकारी। थाना मानक नगर में नहर में कूदी थी महिला, लखनऊ से बड़ी खबर। महिला को बचाने के लिए मजदूर काशी ने लगाई थी छलांग। बहाव तेज होने की वजह से दोनों लोग थे डूबे। महिला का शव पहले ही निकाला गया था। आज मजदूर काशी का शव नहर से गोताखोर ने निकाला। मौके पर कृष्णा नगर पुलिस मौजूद। थाना मानक नगर में नहर में कूदी थी महिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़ेंगे। शादाब, महिला को बचाने के लिए मजदूर काशी ने भी छलांग लगाई थी, दोनों डूब गए थे, अब दोनों के शव बरामद हुए हैं, क्या कुछ मामला है? जी मयूरी, मैं बता दूं कि थाना माना नगर का ये मामला है जहां पर तालाब में एक महिला कूदी थी, जिसको बचाने के लिए एक काशी नाम का मजदूर था वो भी कूदा था, जिसमें महिला का तो शव निकल आया था, लेकिन वहीं अगर काशी मजदूर की बात की जाए तो उसका शव नहीं मिल पाया था, जिसके चलते उसकी ढुंढाई हो रही थी, गोताखोरों को बुलाया गया था, उसके बाद उसकी ढुंढाई मची थी, लेकिन वो बहुत प्रयास करने के बाद आज उस सुबह उसका शव मिला है। हालांकि
शव को बरामद करके पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस का कहना है कि की जा रही है, अभी देखने वाली बात है कि आगे क्या निकल के आता है। जी मयूरी जी, धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस